हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मीता ब्लॉग एंड रसोई चैनल पर। आज हम बनाएंगे बंगाली स्टाइल भाजा मिस्टी। इंस्टेंट ये रेसिपी बन जाता है और एक साथ में हम झटपट बहुत सारा मिठाई बनकर तैयार कर सकते हैं। कोई भी फेस्टिवल में आप इसे बना सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है ड्राई कोकोनट, जिसका ब्राउन पार्ट निकाल के छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अगर आप चाहे तो डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 8 से 10 काजू। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा काजू और कोकोनट पाउडर हो चुका है। तो हमने यहाँ पर दरदरा पाउडर बनाया है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो अब हम बनाएंगे सबसे पहले शुगर सिरप। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप यानी कि 50 ग्राम शुगर है, चीनी और 1 कप पानी। जितना हम चीनी लेंगे उतना ही पानी लेंगे। क्वांटिटी आप जितना बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से चीनी और पानी को लेना है। तो शुगर सिरप के लिए पहले हमें शुगर को अच्छे से मेल्ट होने देना है। गैस को हम लो फ्लेम में रखेंगे और हमें पकाना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए। तो हमें शुगर सिरप में कोई तार नहीं बनाना है, जैसे कि हनी होता है इसी तरीके से चिपचिपापन होना चाहिए। तो लो फ्लेम में हम इसे 5 से 7 मिनट तक उबाल आने देंगे, अच्छे से उबालना है। और अगर आप ज़्यादा नहीं उबालते तो क्या होता है ना, वो बिल्कुल पतला रह जाता है। तो हमें तार नहीं चाहिए लेकिन चिपचिपापन होना चाहिए, इतना हम शुगर सिरप को उबालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर तकरीबन शुगर सिरप बन चुका है। हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे हम रख देंगे साइड में। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम एक पैन लेंगे, पैन गर्म होने पर इसमें हम डालेंगे 1 कप सूजी। तो जितना हम चीनी लेंगे उतना ही हम सूजी लेंगे। मीठा कम खाना चाहते हैं तो चीनी का मात्रा थोड़ा सा कम कर सकते हैं। हमें ड्राई रोस्ट करना है थोड़ी देर, उसके बाद हमें इसमें डालना है 1 चम्मच घी। घी डाल के सूजी को हम थोड़ी देर भूनेंगे। अब हम यहाँ पर डाल देंगे जो कि हमने पाउडर बनाया था कोकोनट और काजू का, इनको डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो कोकोनट और काजू हमने डाला, इससे बहुत अच्छे इस मिठाई में फ्लेवर आता है फ्रेंड्स। अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध यहाँ पर बिल्कुल गर्म किया हुआ दूध है। मैं यहाँ पर 1 कप सूजी ली हूँ, इसलिए 2 कप इसमें दूध डाल रही हूँ। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं लेकिन कम नहीं डालना है। और अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। जैसे ही पैन छोड़ देगा तब तक हमें सूजी को पका लेना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा मिठाई के लिए जो स्टफिंग है वो बिल्कुल बन चुका है। इसी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें घी डालेंगे फ्रेंड्स, 1 चम्मच जितना घी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसे कोई प्लेट में डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर चक्की में डाल रही हूँ। आप कोई प्लेट भी ले सकते हैं और इसी में हमें इसे मिलाना है। थोड़ा गर्म रहते टाइम में हमें इसे अच्छा से मिलाकर इसका डो रेडी करना है। जिस तरीके से हम आटा का डो बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से स्मूथली हमें इस डो को बना लेना है। तो देखिए, ये एक बहुत ज़्यादा मैं आसान सा तरकीब बताऊंगी, जिससे आप है ना आसान तरीके से मिठाई को बना सकते हैं और झटपट बना सकते हैं। हमें इसमें बेलन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इस तरीके से हाथों से हम प्रेस करते रहेंगे, साइड से थोड़ा सा क्रैक आएगा, उसे हम बिल्कुल दूसरे हाथों से एडजस्ट करते रहेंगे। और देखिए, हमारा जो यहाँ पर लोई है बिल्कुल डो बनके तैयार है। मैंने एक रोटी का शेप दे दिया है, इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे। आप इस तरीके से स्पैचुला ले लीजिए या फिर कोई नाइफ ले लीजिए और इसे आप कट करें। ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, मीडियम रखना है। और इस तरीके से साइड का निकाल देंगे और अब हम इसका पीसेस में कट कर लेंगे। शेप आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमने इसको कट कर लिया है और इस तरीके से बहुत जल्दी बन जाता है। राउंड राउंड करके इसको घुमाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत देर तक इसको बेलना भी नहीं है। सिर्फ हाथों से मिलाकर 2 मिनट के अंदर ये बन जाता है। अब हम एक पैन में लगाएंगे तेल। जैसे तेल गर्म होगा तो हम एक बार चेक करेंगे। तो ये देखिए, हमें तेल को बहुत अच्छे से गर्म करना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पर गर्म करना है। उसके बाद जैसे तेल गर्म होगा, गैस की फ्लेम को मीडियम पर रख के एक एक करके पेड़ा हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये है फ्राई किया हुआ स्वीट। इसे बंगाली भाजा मिस्टी बोला करते हैं।
तो ये है बंगाली स्टाइल भाजा मिस्टी। तो हम इसको फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे आप इंस्टेंट बना सकते हैं और एक साथ में बहुत सारा मिठाई बना सकते हैं, बहुत जल्दी बना सकते हैं। इसे आप कोई भी फेस्टिवल में बनाएं, दिवाली में बनाएं, दशहरे में बनाएं, या फिर घर में कोई मेहमान आ जाए उनको बना के खिलाइए, तो आपकी तारीफ वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट है फ्रेंड्स, बहुत स्वादिष्ट है। तो रेसिपी को आप लोग फुल वॉच करें और इसे आप लोग घर पे, अपने अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए, तकरीबन हमारा जो ये जो पेड़ा है फ्राई हो चुका है। अब हम इनको छन्नी में निकाल लेंगे, तेल को छान लेंगे। तो इसे हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, उसके बाद अब सीधा हम इसको शुगर सिरप में डाल देंगे। तो देखिए, तेल छान लिया है मैंने और यहाँ पर शुगर सिरप में डाल देंगे। तो शुगर सिरप जो है ना, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी ना बनाएं, जितना हम पेड़ा बनाते हैं उसी हिसाब से शुगर सिरप को बनाना है, ताकि बहुत ज़्यादा भिगाना नहीं है। इसे हम 10 मिनट तक भिगा के रखेंगे शुगर सिरप में, और 10 मिनट के बाद ही हम इसको दूसरा प्लेट में निकाल लेंगे। तो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अब हम इसे ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ये कोई 5 से 10 मिनट, और बस अब हमारा जो स्वीट है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। तो 10 मिनट के बाद हमारा जो मिठाई है वो आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारे यहाँ पर बंगाली स्टाइल भाजा मिस्टी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो ये स्वीट आप लोग ज़रूर ट्राई करें। इस यहाँ पर मिठाई को हमने सर्व कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। यहाँ पर ड्राई फ्रूट है जिसको हम गार्निश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत झटपट बन जाता है और एक साथ में बहुत सारा मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये मिठाई बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए, एकदम परफेक्ट मिठाई बनकर तैयार है। अगर ये रेसिपी आप लोग को पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।